यहाँ पर हमेशा याद रखें, आप सीरियल नंबर जरूर डाल दें। सीरियल नंबर नहीं डालेंगे तो आपको पर्टिकुलर जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आप देखिए टेस्ट करने में सही पॉइंट अब आएगा जब आप रजिस्टर कर देंगे। तो सेकेंड टूल विच वी आर गोइंग टू यू जो हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज CSS टैब। ये एक छोटा सा टूल है जो टूल हमारे लिए टेबुलर या टैब को तैयार करता है। आपने जनरली टैब कई वेबसाइट पर देखा होगा। अब हम इसके थ्रू एक फ्रेम बेस्ड डिजाइन तैयार करते हैं दोनों के थ्रू, और फिर उसको हम JSP के साथ कैसे काम कराते हैं ये समझेंगे। तो हम सबसे पहला काम कर रहे हैं ड्रीमवीवर के साथ, और ड्रीमवीवर को हम यूज कर ले रहे हैं। ड्रीमवीवर में हम कुछ इस तरह के टैब्स का इस्तेमाल करेंगे। ये आप टैब्स आपने कुछ इस तरह के देखे होंगे, ये टैब्स के डिजाइन है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ सबसे पहले, दैट पर्टिकुलर फोल्डर नेम इज सेम और वट एवर नेम यू वांट यू कैन परफॉर्म इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद फाइल न्यू एंड यूजिंग एन ऑप्शन कॉल्ड फ्रेम सेट। अभी हम यहाँ पर कुछ इस तरह का फ्रेम सेट एक ले रहे हैं, ये फ्रेम सेट है हमारे लिए। नाउ फर्स्ट ऑप्शन विच हैज टू बी सेव ऑल। जब आप सेव ऑल करेंगे तो आप जहां पर उसको सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर बताइए। मैं इसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ कुछ, उसमें बार बार बंद होने की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो आपको बताया था, दैट इज मेन हैज टू बी इंडेक्स। देन यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया मेन, और इसका नाम मैंने रख दिया हेडर। इट मीन आई हैव थ्री पेजेस ओवर देयर जिसमें मुझे उसको सेव करना है, और उसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर को यूज करूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एड्रेस आ गया जहाँ पर उसने उसको सेव किया है। Now, if you want to create some CSS tab over there, तो एक तो तरीका था, हमने कल बात की थी कि हम एक CSS तैयार कर लेंगे स्टाइल शीट, और उस स्टाइल शीट को हम यूज करेंगे। तो जस्ट क्रिएट दैट स्टाइल शीट, सेव दैट स्टाइल शीट विद अ नेम। और इसको यहाँ ऐड करने के लिए क्या तरीका था, नॉट यू नीड टू राइट लिंक HREF, क्या नाम रखा हुआ है, डिजाइन डॉट CSS और इस लाइन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, सेव विद दिस पार्ट। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। जो इंडेक्स वाला पेज है मेरा, अब मैं इस जगह पर मैं टैब डालना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हेड एरिया है यहाँ पर मैं टैब डालना चाहता हूँ। उस पेज का नाम है हेडर, ठीक है। क्रिएट डॉट पर्टिकुलर टैब व्हाट एवर यू वांट, यहाँ पर आपको कई सारे टैब दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप जिस तरह का भी टैब या कलरफुल टैब जो आप बनाना चाहते हो वो आप चूज कर ले, जो कलर आप रखना चाहते हो, ठीक है। दैट इज टोटली योर चॉइस। यहाँ पर एक ऐड करने के लिए बटन है, और यू कैन प्रेस इंसर्ट बटन, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो टैब आपको चाहिए वो बताइए, जिस पेज पर आप जाएंगे वो बताइए। यहाँ पर ये प्रीव्यू आपको यहाँ दिखता रहेगा। Thank you.
बेटा आप तैयार हैं, आप चाहो तो इसी में ही अपना कलर डिजाइन या आपका जो वर्किंग है वो आप यहाँ से चेंज अभी कर सकते हैं उसको, आप जब भी चाहें। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या उसमें करना चाहते हैं। नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर बटन विच इज कॉल्ड जनरेट एचटीएमएल, क्लिक ऑन दैट जनरेट एचटीएमएल इशू। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अभी पेज कहाँ सेव करा हुआ है। अभी बाय डिफॉल्ट ये रैम के अंदर सेव है एक पर्टिकुलर पाथ पर, हम उसको उस पाथ पर ही जाकर सेव करेंगे जहाँ पर वो अवेलेबल है। दैट इज इन सी ड्राइव प्रोग्राम www मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं जिस पेज को क्रिएट करना चाहता हूँ वो कौन सा है, हेडर। हेडर मीन्स आई वॉन्ट टू रिप्लेस दैट पेज विथ दिस वन। वहाँ पर अभी वो पेज अभी ब्लैंक था और अब मैं जाता हूँ वहाँ पर टैब आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब जैसे मैंने चेंज किया तो जब हम कई बार यहाँ पर इसके ड्रीम वीवर पर पहुँचते हैं तो आपको इस तरह का एक मैसेज शो होता है। क्योंकि आपने उसको किसी दूसरे टूल के थ्रू मॉडिफाई कर लिया है, आप उसको बोलिए यस आई वांट टू रीलोडेड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब वो पर्टिकुलर टैब आपके पास आ गया तो ये टैब कुछ इस तरह का आपके पास अवेलेबल हो गया। पहले आपको कलर कोड समझना पड़ेगा कि कौन सा कलर कोड वहाँ पर दिख रहा है। सो वी कैन चूज दैट कलर कोड, जिससे हमें पता लग जाए कि कलर कोड कौन सा है। तो देखिए ये कलर कोड आ गया हमारे पास, इसको उठाइए और CSS में डाल दीजिए उसके बॉडी एरिया में। तो आपके पास जहाँ पर भी वो CSS यूज हो रही है सेम कलर आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपको CSS यूज करना है इस पेज में तो सेम वैसा का ही वैसा लाइन टिक करिए, क्योंकि वो पेज यहाँ पे चेंज हो गया है। हेड एरिया में आके आप उस CSS को ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए पूरा पेज एक जैसा लग रहा है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं कहाँ पर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा, ये वाला जो कलर था जिस कलर कोड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसको हम एक बार और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक टूल यूज करने की बात कर रहे थे। दैट टूल वॉज कॉल्ड फ्लैक्स, ये हमारे पास टूल था। हम इसके बैकग्राउंड कलर में ये कलर डाल देंगे और इस तरह के ऑरेंज कलर का कलर कोड ले लें, जिससे हमें ये पता रहे कि ये कलर फॉन्ट हमारे पास जो भी अवेलेबल है हम उस फॉन्ट में ये वाला कलर ऐड कर देंगे, जिससे वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिमेट्रिकल रहे। फॉन्ट के साइज को आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। और आपके पास जितने भी एनिमेशन जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, यू कैन यूज एन नंबर ऑफ एनिमेशन इन इट। जो भी एनिमेशन आपको साइज के हिसाब से सूटेबल लगता है, यू कैन यूज दैट काइंड ऑफ एनिमेशन। ये वाले एनिमेशन हम यहाँ पर ले ले रहे थे, स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं। आप इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, आपको जिस डायरेक्शन से चाहिए उस डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप जब आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप उसमें सिंपल फाइन एंड यू कैन यूज एट एक्सपोर्ट एज SWF। सॉफ्टवेयर कुमार में ही आप एनिमेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कुमार को बताइए कहाँ पर आप उसको रखना चाहते हैं। यू नीड टू यूज द सेम फोल्डर, जहाँ पर भी आप उसको रख रहे हैं आप उसी फोल्डर में उसको रखिए, और जो भी आप पर्टिकुलरली यहाँ पर आप उसको नाम दे दीजिए, कोई एक
तो ये मैंने नाम दे दिया. अब आई वॉन्ट टू यूज दैट पर्टिकुलर एनिमेशन ओवर हियर. सो इंसर्ट मीडिया एंड देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड फ्लैश. तो आप उस पर्टिकुलर इंटरव्यू फाइल को अपने एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं. तो ये क्या होता है, दैट कैन बी फॉर ऑब्जेक्ट. जब आप किसी अलग या किसी ऐसे एंटिटी को एचटीएमएल के साथ जोड़ना चाह रहे हैं जो एचटीएमएल के बाद नहीं है, तो उसके लिए टैग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट. आपको आपको बोला होगा जनरली कई बार आप यूट्यूब पर होते हो, यूट्यूब आपको बोलता है कि मुझे आप अपने यूट्यूब पर चलने वाले वीडियो को अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ सकते हैं. तो उसके लिए पर्टिकुलर दो टैग्स इस्तेमाल होते हैं, आइदर यू नीड टू यूज ऑब्जेक्ट और यू नीड टू यूज एम्बेड. इस तरह से टैग स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट या एम्बेड के लिए. तो यहाँ पर आप बताइए कहाँ पर वो रखा है. तो ये हमारा डिजाइन डॉट एच डब्ल्यू एफ ये रखा है. और अब देखिए हमारा वो जो पर्टिकुलर मेन्यू था वो थोड़ा नीचे चला गया है. हम जरा सा और पेज कर देते हैं यहाँ पे. इस मेन्यू को हम साइड में कर लेते हैं. नाउ द डिजाइन इज ऑलमोस्ट रेडी. अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं. इट इज लोकेटेड. तो आपके पास भी रही है और आपको एनिमेशन और वो भी रहेगी. हमेशा एनिमेशन वेबसाइट में लाइन भी यूजर नहीं होता है. अगर कोई भी मूव करते हुए जिससे आपको लगता है वो लाइन है. अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फेल होते हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखता तो आपको लगता है कि ये डेड ऑब्जेक्ट है. इसलिए कोशिश की जाती है आजकल वेबसाइट में कि मूवमेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट रखे जाए जिससे वो लाइवली या उसमें लाइव दिखाई दे. तो ये पर्टिकुलर अलग अलग आपके पास अब टैब रेडी है. नाउ यू आर एबल टू वर्क ऑन इट. मीन अब जब हम होम पे क्लिक करें तो आई वॉन्ट दैट कि यहाँ पर होम पे जाए. तो मैंने आपको बताया था ये जो जगह है उसको हम टारगेट पे सेट करते हैं हमेशा. दैट टारगेट हैज टू बी मेन फ्रेम. मतलब आपके पास अब जितने भी टारगेट्स होंगे वो टारगेट क्या होने चाहिए, मेन फ्रेम. अगर मेन फ्रेम टारगेट नहीं होगा देन यू आर नॉट सपोज टू वर्क ऑन इट. सेव करते हैं इसको. और अब क्योंकि अभी हमारे पास पेजेस नहीं है तो हर बार वही एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिखाएगा क्या, द वेब पेज इज नॉट फाउंड बट ऑल द लिंक्स आर वर्किंग प्रॉपरली. क्योंकि सिर्फ एक ही पेज था वो, तो मेन पेज आपने बनाया था तो वही वही पेज है. वहाँ पर आपको वो सारे पेजेस बनाते पड़ेंगे और उन्हीं पेजेस को आप आगे काम करेंगे. सो इफ द कंसेप्ट इज क्लियर. ठीक है. अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन एरिया है और टैबुलर एरिया है तो हम इसमें एक रजिस्टर पेज बना के देखते हैं और उसके आगे का हम काम सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट दैट पेज. रजिस्टर के लिए मैंने यहाँ पर लिंक में जो नाम दिया हुआ था दैट इज रजिस्टर डॉट जे एस पी. ठीक है. तो आई जस्ट क्रिएट दैट पेज फाइल न्यू. बट अब जब जे एस पी का पेज बनाएंगे तो जे एस पी के पेज के लिए अब रजिस्ट्रेशन समझिए. क्योंकि अब आप अपने पेज को आपके पास ये रिमोट मशीन होनी चाहिए वो आपके लिए पर्टिकुलरली डेटा को फिल्टर करे, जीएसटी को फिल्टर करेगी और किसका लेकर आएगा एचटीएमएल पेज पर. इन सभी कामों को परफॉर्म करने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उस टूल का नाम है टॉमकैट. क्योंकि आप पर्टिकुलरली जब भी कोई सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं देन यू नीड टू यूज दिस अपाचे टॉमकैट. आप इंटरनेट पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ये वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेब सर्वर है जो आपकी मशीन को एज ए सर्वर क्रिएट कर देगा. आपकी मशीन को क्रिएट करेगा एज ए सर्वर. दैट मीन्स आपके पास रजिस्ट्रेशन एरिया होगा जहाँ जीएसटी का कोड आपके लिए कन्वर्ट होकर एचटीएमएल में आपको मिलने लगेगा. तो आप इसको सिंपल अगर एग्जाम्पल्स भी चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट. कई बार ऐसा होता है जैसे लैपटॉप पे कई सर्वर एक साथ चल रहे होते हैं. जैसे आपने एएसपी मार्केट भी डाल रखा है, आपको डाला जाए, देन वाइट भी पॉसिबल कई बार एक पर्टिकुलर वर्ड क्रैश करता है.
जब उस सर्विस को देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि ये सर्विस ऑलरेडी बनी हुई है तो उस सर्विस को हम रोक रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो दो वर्डिंग आपको यूज करनी होती है, पहली वर्डिंग का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है, पोस्ट। बट ओवरऑल अगर हम माने सॉकेट क्या है और पोर्ट क्या है, और प्रोग्रामिंग सॉकेट लेवल होती है या पोर्ट लेवल होती है, तो दोनों लेवल पर अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है, सॉकेट भी होते हैं, पोर्ट लेवल प्रोग्रामिंग भी होती है। सॉकेट वो फिजिकल एरिया है जहाँ पर रेडियस पहुंचती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप अगर इस ओरिजिनल ऑप्शन को देखेंगे तो ये क्या है, सॉकेट में लगाइए या सॉकेट लगाइए, सॉकेट है ये। हर पर्टिकुलर सॉकेट पर बहुत सारी पिंस बनी हुई, ठीक है, वो पिंस आपके लिए पोर्ट का काम करते हैं। हम जब पर्टिकुलरली इसको रियल टाइम में देखते हैं तो एयर पोर्ट वर्ड आता है, एयर पोर्ट, तो वहां पर पोर्ट है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी और जिससे आप रिक्वेस्ट रिट्रीव करेंगे। एक एग्जाम्पल समझे तो उसमें आप जब पर्टिकुलर पोर्ट की बात करते हैं तो पोर्ट नंबर 25 डेडिकेटेड है ईमेल एड्रेसेस के लिए, पोर्ट नंबर 80 डेडिकेटेड है वेबसाइट या वेब सर्विस के लिए, तो हर तरह का पोर्ट डेडिकेटेड है। 25,000 पोर्ट अवेलेबल है, आप कोई भी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पोर्ट का आप इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जब पोर्ट की बात करते हैं तो पोर्ट बिना सॉकेट से नहीं आता, पोर्ट के लिए क्या चाहिए, सॉकेट, क्योंकि जब सॉकेट होगा तो सॉकेट से ही रिक्वेस्ट आएगी। जैसे लैन का आप केबल लगाते हैं तो केबल जिस जगह पे लगेगा दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड सॉकेट, और उस सॉकेट से आने वाली रिक्वेस्ट को हम बोलेंगे पोर्ट, और बहुत सारे पोर्ट पर रिक्वेस्ट आएगी। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन में अंदर जाने और बाहर आने के लिए जैसे एयरपोर्ट में अंदर आने और जाने के लिए तेजी होता है, बट फिर बाहर से बाइफरकेट होते हैं कि आपको डोमेस्टिक पे जाना है या इंटरनेशनल पे जाना है। रेलवे स्टेशन पर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाता है जो ट्रेन दो तीन नंबर अवेलेबल होते हैं, तो वो जो नंबर है वो पोर्ट है, जबकि जहाँ से हम रुके हुए होते हैं वो क्या था सॉकेट। तो सॉकेट और पोर्ट दोनों लेवल पर प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि जब आप सॉकेट को इनिशियलाइज करते हैं देन यू आर एबल टू बिल्ड अ पोर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक एरिया है जहाँ पर हमारा ये ऑप्शन आ गया है और ये इसकी सर्विस ऑन हो गई है। अब जब टॉमकैट की सर्विस आपके पास ऑन हो जाती है तो आपको कुछ इस तरह से ये वर्ड दिखाई देता है, यहाँ पर ये एक आइकन है अपाचे टॉमकैट का, उस पर ग्रीन कलर का बटन आ रहा होता है, वहां पर क्लॉक होती है, दिखाई देती है। यहाँ पे अगर ये सर्विस ग्रीन कलर का बटन नहीं और रेड कलर का है तो राइट क्लिक करिए इस पे, या उस पर क्लिक करिए और वहाँ पर बोलिए स्टार्ट द सर्विस। कंफिगर एंड स्टार्ट द सर्विस, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब आप कंफिगर पे क्लिक करते हो देखिए हमने स्टार्ट टाइम मैनुअल, हमने मैनुअल इसलिए करके रखा है क्योंकि अगर आप उसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होगा उसको ऑटोमेटिक को स्टार्ट कर देगा, तो यदि वो मैनुअल है तो आपको फिजिकली जाके मैनुअली जाकर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं कि पेज चल ही नहीं रहा, तो पेज से देखिए नहीं चल रहा होगा क्योंकि आपने उसको
मैनुअल रखो भाई, जब हम स्टार्ट करें तभी वो स्टार्ट हो, और क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन तो सर्विस का स्टेटस देखिए वो स्टार्ट है या स्टॉप है। तो अगर सर्विस स्टार्ट नहीं है तो आप जीएसटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देन हाउ टू टेस्ट इट, जब आप पर्टिकुलर किसी सर्विस को यूज करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल राइट लोकल होस्ट कोलन 8080। तो जब हम लोकल होस्ट कोलन 8080 को कॉल करते हैं तो 8080 जो डेडिकेटेड को मतलब उस कोर्स के लिए उस सर्विस को चेक करता है और आपको कुछ उस टाइम हम फिर दिखाई देना चाहेंगे तो ये ऑप्शन चेक करता है कहा आपका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या आपका पर्टिकुलर सर्विस यहीं से काम कर रहा है। आप इस लोकल होस्ट की जगह और भी कई चीजें लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सिस्टम का आपका आईपी होता है रैटल 127.0.0.1। और ये कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। अब हम इसी के आगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक पेज बनाने की बात कर रहे थे तो हम उस पेज पर आते हैं। पहले क्रिएट ए डायनेमिक पेज विद जीएसटी, जो जीएसटी का पेज है इस जीएसटी पेज के ऊपर हमें कंट्रोल को तैयार करना है और कंट्रोल को यूज कर रहे हैं। बट अगर हम ये देखें तो हमारे वेबसाइट जो हम तैयार कर रहे थे उसकी लोकेशन लोकेशन से हमारा जीएसटी काम या डाउन सर्वर पेजेस काम नहीं करेंगे। तो हम उसकी एक लोकेशन पहले हम चेंज कर लेते हैं जहाँ पर हमें फोल्डर को स्टोर करना पड़ेगा। तो हम इस पूरे फोल्डर को उठा के एक स्पेसिफिक लोकेशन पर रख देते हैं जो लोकेशन आपको यूज करनी होती है। जिस लोकेशन पर आप इसको यूज करेंगे दैट इज द प्रोग्राम फाइल अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टॉमकैट वेब एप एंड रूट। ये वो लोकेशन है जहाँ पर आप अपने यूज करते हैं या स्पेसिफिक लोकेशन आपको मिलता रहता है जिससे आप पर्टिकुलर फोल्डर को जाके फेस कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको फेस कर दिया। नाउ द फोल्डर नेम इज ओवर हियर जहाँ पर हम अपने फोल्डर को रखते हैं। तो अब हम अगर जीएसटी की बात करते हैं या जीएसटी को हम यूज करना चाहते हैं
तो वो पर्टिकुलर पेज हमारे लिए आया, आपको पेज आया वो पेज किस तरह से आया, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश होमवर्क होगा क्लियर। लेट मी नाउ द पर्टिकुलर वेबसाइट इज ऑन द रजिस्टर होस्ट, जो आपका कनेक्शन किस पर है, सर्वर पर। सर्वर पर होने का मतलब क्या है, क्योंकि हम जो जहाँ पर एनवायरमेंट देख रहे हैं, जब हम इसको एक्चुअल में इंटरनेट पर डालेंगे तो भी यही मिलेगा। जब आप अपने लिए इंटरनेट की वेबसाइट को बुक करेंगे या डोमेन बुक करना सीखेंगे, होस्टिंग देना सीखेंगे, तो आपको वेबसाइट बनाने के बाद वहाँ पर जिस तरह से उसको पेज करना है, तो वहाँ पर भी आपका जो वेबसाइट है वो इसी एनवायरमेंट पर रहेगा। मतलब वहाँ पर भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि टॉमकैट का फोल्डर कहाँ है, और नीड टू पेस्ट दैट पर्टिकुलर फोल्डर इनटू टॉमकैट एरिया। तो एनवायरमेंट इसीलिए कॉमन बताया जाता है ताकि यूजर को यहाँ पर जिस तरह से काम होगा और वही इंटरनेट पर भी होगा। तो जब हम इसको इंटरनेट पर पेज कर रहे हैं सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसी तरह का एनवायरमेंट आपको यूज करना है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ पेज विच इज कॉल्ड रजिस्टर। अब रजिस्टर के लिए हमने एक पेज को बना लिया है register.jsp, सो आई विल क्रिएट दैट पेज। अब इसमें एक बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार बिकॉज आप टीम ड्राइविंग का काम कर रहे होते हैं और वो आपका एक रूट ड्राइव होता है, तो रूट ड्राइव कई बार आपको यहाँ परमिट नहीं करता कि आप उसी ड्राइविंग का काम करें जिससे कि सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि अपना पर्टिकुलर जो पेज है उसको अलग रख लेते हैं। अगर इन केस ऐसी कोई दिक्कत आए, जैसे आपको यहाँ पर वो एडिट करने की परमिशन नहीं दे रहा है, आप अपने पेज को किसी अलग जगह पर रख लीजिए, क्रिएट दैट पेज एंड सेव इट इनटू दैट फोल्डर अगेन। मतलब आप उसको अपलोड कर सकते हैं या फोल्डर में वापस फिर से पेस्ट कर सकते हैं, तो उससे आप पर्टिकुलरली उसको एनवायरमेंट को यूज कर पाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि जब आप पर्टिकुलर कोई भी एक ऑप्शन ले तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होता है, दैट इज इंसर्ट अ फॉर्म। दैट मीन्स हमारे पास बिना फॉर्म के हम उसको इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म क्रिएट करेंगे तो फॉर्म ही ऐसा होगा जो आपको दो नंबर कॉल करेंगे, ऑप्शन देगा कौन कौन से, ग्रेट और ओ। बिना उससे आप पर्टिकुलरली अपने पेज के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है टेबल, हम टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह हम एक टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं। इस टेबल में हम यहाँ पर इसको मर्ज कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास तीन अलग अलग कंट्रोल्स बन गए और उन कंट्रोल्स को हम यूज कर सकते हैं, तो मैं उससे पहले कुछ और ऑप्शंस आपको बताता हूँ। जेएसपी को प्रॉपरली शुरू करने से पहले हम एक लेआउट को देखते हैं कि किस तरह से हम उस लेआउट को यूज करते हैं या उस लेआउट को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज हमारे पास जो पर्टिकुलर वर्किंग एक कारण ये है
यहाँ पर हमने एक HTML का पेज तैयार किया, ठीक है। इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स को बनाया, आई वॉन्ट टू चेक दिस टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम क्या है, टीएक्सटी यूनेम। चलिए अब दूसरा देखें, तो हमने एक फॉर्म तैयार किया था, फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म वन। फॉर्म वन एक बेस एंटिटी है, इसका पार्ट कौन सा है, टेक्स्ट यूनेम। मैं अलग अलग कर लेता हूँ सबको ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। ये मेरा आ गया फॉर्म वन, दूसरा मेरे पास क्या था वहां पे, टेक्स्ट का नाम था मेरा टीएसटी यूनियन, तो ये आ गया टीएसटी यूनियन। इसलिए डॉट क्या पिक करनी है, वैल्यू, वैल्यू वो होगी जो आपने टाइप करी है, और उसको टोटली हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे इसको, डॉक्यूमेंट। अरे फ्रेंड को हम डॉक्यूमेंट मानेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म करना, फॉर्म करना नाम ले लिया है तो आपको पता होगा, टेक्स्ट बॉक्स करना नाम ले लिया है तो आपको पता होगा, टेक्स्ट फील्ड का फील्ड लेना पर वैल्यू, वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपको चाहिए, तो उस वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पर एक वेरिएबल स्पेसिफाई कर रहे हैं और उस वेरिएबल के थ्रू ये सारा काम परफॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस लाइन को भी यहाँ ले आते हैं, वेरिएबल यहाँ
पर हमने चेक किया तो देखिए बहुत सिंपल मेमो से चेक किया गया है, कंडीशन एक होती है जैसे आपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा एफ एल, सारे बटन पर इसकी कंडीशन मार रहे हैं। यदि खाली छोड़ दिया है तो उसको मैसेज देने के लिए आपके पास एक वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अलर्ट। अलर्ट वो एरिया होते हैं जो मैसेज को जनरेट या मैसेज को फ्लो करते हैं। तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पर उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यदि वो मैसेज अवेलेबल है या वो आपने पर्टिकुलर उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो अलर्ट में आप जो भी मैसेज को फ्लैश कराना चाहते हैं नहीं तो वो उसको चेक कर लेगा। अब इसमें एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ जो जनरली जब आप बनाना शुरू करते हैं तो प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। आपने दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए, ठीक है, यहाँ पर हमने दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए, इन दो टेक्स्ट बॉक्स में हमने ये स्क्रिप्ट लगा दी या तीनों में ये स्क्रिप्ट लगा दी, ठीक है। उसका काम क्या है, दूसरे को शिफ्ट करने के लिए या जंप करने के लिए, क्योंकि आपने उसको बैंक छोड़ दिया, लेकिन वो कर्सर ऑलरेडी फोकस यहाँ पर आ चुका है, अगर वो ध्यान दे वहाँ तो आपको रिलेशन करेगा, तो फिर वो ध्यान आने के लिए वापस करेगा कि यहाँ पर लोग, मतलब दोनों स्ट्रेस आपके लिए आपके सिस्टम को हैंड अप में डाल देंगे क्योंकि दोनों ही आपने स्ट्रेस देखी है, बस सही काम कर रही है। हर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जहाँ पर आपने ऐसे गलती कर दी कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया तो वो दूसरे में आ गया, दूसरा फिर ब्लैंक है तो वो पहले में जाएगा ही जाएगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में ना फिर आप कीबोर्ड चला सकते हैं या कुछ, आपको सिर्फ उसको कंट्रोल और डिलीट से क्लोज ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल क्लोज भी आपको नहीं करने देगा। तो ये एक सिचुएशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब इसमें जो हमने यू नीड टू राइट सिंपल अ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, हम जब हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जब उसको एचटीएमएल में लेकर आते हैं तो एचटीएमएल में लाने के लिए आपको सिंपल उसको बताना पड़ता है कि आपका जो पर्टिकुलर फॉर्म है पर मैं उस ऑप्शन को चाहता हूँ यहाँ पर। चलिए इसको करके देखें। अगर हम ऑन सबमिट की बात करते हैं तो ऑन सबमिट एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे आप फॉर्म को यूज करते हैं तो फॉर्म में लिखते टाइम ही यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं तो देखिए बहुत सारी और चीजें आ गई। तो यहाँ पर हम अगर इसको मेथड को देखें तो पहला क्या लिखना चाहिए, ऑन प्लेस ऑन मदर्स प्लेस की डाउन की प्लेस की या बाउंस डाउन माउंट अप माउंट ओवर रूम प्लेस ऑन सबमिट। तो यहाँ पर ये एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑन सबमिट, मतलब सबमिट होते टाइम आप क्या करना चाहते हैं, हम किसको कॉल करना चाहते हैं, विल कॉल अ फंक्शन कॉल्ड
रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने इस फंक्शन का नाम बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो हम चाहते हैं कि यही फंक्शन कॉल हो। अब क्योंकि आपके पास ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, तो बना हुआ है तो यहाँ पर आप उस फंक्शन को यूज करिए, और फंक्शन को यूज करने के लिए यहाँ पर जब आप अगर इसी पेज में रखना चाहते हैं तो क्या लिखिए, स्क्रिप्ट देन टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को बंद करिए, और आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पर आप इसके मिडिल वे में आप लिखिए। क्या तरीका है, यदि आप उसी पेज में रहना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप हेड एरिया में हैं, हेड एरिया के साथ साथ आपने पर्टिकुलरली काम शुरू किया, फिर टाइम रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट वो फंक्शन बताया, जिस फंक्शन को आपको इस्तेमाल करना है उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी बताई, आपको क्लोज हुआ और स्क्रिप्ट खत्म हो गई, ठीक है। और आपने बताया कि जब पर्टिकुलर फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म सबमिट हो मतलब फॉर्म जब भी चले, ऑन सबमिट मतलब फॉर्म पर एक बटन है, जब वो बटन सबमिट होगा तो एट द मोमेंट ऑफ सबमिट एजेंट चेक करेगा फंक्शन पर पहुंचेगा और फंक्शन को चेक करेगा कि वेदर इट इज वैलिड और फॉर्म। अभी आप में से कितनों को ये समझ में आया और वाकई में कितनों को समझ में नहीं आया उसको बताइए, जी सर आपने जितनों को नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा दूँ, आप और मैं कोई यूजर है, जब कोई वेबसाइट चलती है तो हम गलत डेटा फीड ना कर दें, क्योंकि वेबसाइट चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ की जरूरत नहीं है, वो चेक करके आपको नहीं बताया कि आपका गलत डेटा फीड किया, तो उसको ऐसे कोड लिखने पड़ेंगे जो बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए वेरीफाई करा पाए कि आपने कोड सही लिखा है, तो इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ रहा है उसके लिए तो जावास्क्रिप्ट लिखने के दो तरीके हैं, या तो इन फेज लिखिए या आउट फेज लिखिए। इन फेज मतलब जिस फेज पर आप काम कर रहे हैं उसी फेज पर जावास्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, एक तरीका। तरीका नंबर दो, आप किसी अलग पेज पर वेबसाइट में जाकर उसी पर्टिकुलर पेज के साथ में वो पेज रखा होगा, जैसे एक्सटेंशन कॉल्ड .js इसका एक्सटेंशन होता है, तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पर रखी जाती है और आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब इन पेज में यूज करने के लिए आप जब कंट्रोल को बनाते हैं तो पहला कंट्रोल होता है फॉर्म, फॉर्म मतलब फॉर्म वन हमारा फॉर्म है, उसमें जिस कंट्रोल के लिए आप उसको वैलिडेट करना चाहते हैं उसका कंट्रोल का नाम देखिए, ठीक है। और स्क्रिप्ट में डेटा को कॉल करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने टेक्स्ट वन रखा हुआ है, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखना पड़ेगा, टीसी यू नेम, और डॉट वैल्यू लिखते ही पर्टिकुलर वैल्यू उस वेरिएबल का आधार है, और देन वेरिएबल इज इक्वल टू ब्लैंक, तो आप मैसेज दे दीजिए कि पर्टिकुलर आपने ये फील्ड जो है वो ब्लैंक छोड़ दी है और उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते। दूसरा तरीका है कि आप इसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को यहाँ नहीं रखना चाहते और आप चाहते हो कि ये स्क्रिप्ट यहाँ नहीं रखना क्योंकि मेरा पेज जो पर्टिकुलर कोड की लेंथ है वो बढ़ रही है, तो कोड की लेंथ बढ़ने के साथ साथ और एक रिस्ट्रिक्शन वो ये कि मान लीजिए आपके पास चार पांच अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है, अगर कोड यहाँ स्पेसिफिक कर रही है तो ये डेडिकेटेड किस पेज को चेक कर पाएगा सर, एक ही पेज को, इसलिए कोशिश ये होती है कि स्क्रिप्ट को अलग बना के रख दिया जाए और हम कंट्रोल से नाम कॉमन कर देंगे तो जिस पेज पर वो चलेगा हमारे लिए कोडिंग करने का काम बच जाएगा और वो बाय डिफॉल्ट कोड हम यूज कर पाएंगे। तो अलग जब जावास्क्रिप्ट को आप रख देंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट को अपने पेज में इस्तेमाल करने के लिए सिंपल बताना पड़ता है, बॉडी पेज में आके बॉडी एरिया में आके कि आपको पर्टिकुलर पेज जो है वो किस स्क्रिप्ट पे, तो आपको बताना पड़ता है क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर लिख दिया था ऑन सबमिट, कि सबमिट होते टाइम किसको चेक करें, इस मेथड को, मेथड का नाम क्या था, रिक्वायर्ड, ये मेथड हमने कहाँ डिक्लेयर करा हुआ है, इस वाले स्क्रिप्ट को, मतलब जावास्क्रिप्ट को सिर्फ आपको ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट को अपने पेज पर कॉल कैसे
रखते हैं एक HTML पेज को बाहर रखते हैं तो सिर्फ फायदा एक है कि यदि किसी और पेज को इसकी जरूरत है तो तुम्हारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सिर्फ कंट्रोल के नाम कॉमन रखिए, रेस्ट एवरीथिंग विल बी ओके। तो आपका जो पर्टिकुलर कोड लिखने का टाइम है वो बच जाएगा और आप जल्दी उसको कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप उसको यूज करते हैं ऑफ पेज मतलब आउट पेज से थ्रू किसी बाहर रखी हुई जावास्क्रिप्ट को तो उसको कॉल करने का तरीका इसमें क्लियर। अब ये काम जो हमने अभी स्क्रिप्ट का देखा ये क्या कर रहा था, सिर्फ हमारे लिए ब्लैंक चेक कर रहा था। ब्लैंक चेक करने का मतलब है कि वो पर्टिकुलरली ये चेक करेगा कि आपने कोई फील्ड ब्लैंक तो नहीं छोड़ी। आप एक स्क्रिप्ट देखिए, उस स्क्रिप्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलरली सारे लेटर्स हैं या नहीं है। जनरली लेटर चेक करने के लिए हम दो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम अल्फाबेट को और या आपकी जरूरत को। यहाँ पर पर्टिकुलरली दो लेटर दिखे हुए हैं कि आपने जैसे बताया कि आपने फील्ड में यूजर नेम, आप किसी ने यूजर नेम में यूजर नेम और एक नेम ऐसा मान लो लेटर। अब अगर उस लेटर में हमने फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेरिएबल लेटर और लेटर में उसकी एक लिमिट लिखी, लिमिट रखी। अब अगर हम लिमिट को चेक करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं कि पर्टिकुलर जो भी इनपुट टेक्स्ट है इनपुट टेक्स्ट और वैल्यू डॉट डैश और किसको लेटर है तो लेटर। अब इसे ध्यान रखिए कि आपका उस टेक्स्ट को बताए फिर आपको लेटर दिखा देते जैसे आपने पर्टिकुलर लेटर भी लिखेगा क्ले हो गए चाहे तो जो साइन बने हुए उसमें आपने पर्टिकुलरली वहाँ पर एक नंबर भी नहीं साइन कर दिया जिससे आप उसको अकाउंट कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर साइन लिखी हुई है आप वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स ऑल डॉट एन डॉट फोकस। फोकस मतलब इस पर्टिकुलर कंट्रोल पर आपका सेंसर जाकर वापस लिंक कर
करने लगता है। तो पहला स्विच में वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड चाहिए, दैट कीवर्ड इज var, और वेरिएबल का नाम आपकी चॉइस का होगा। टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालने के लिए चलेगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट कंट्रोल डॉट वैल्यू, ठीक है, उससे आपका डेटा कैसे निकलेगा। आप ध्यान करेंगे यही तो जरूर इट इज, ठीक है, और अगर कोई पैरामीटर है ना अल्फाबेट या नंबर है तो आप अल्फाबेट और नंबर के लिए सिर्फ सिंबल यूज कर सकते हैं। कैरेट में जो सिंबल मैच होता है वो जिस रेंज को मैच करना है वो प्लस, अगर ये यहाँ पर इसे ध्यान रखेंगे मुझे ये प्लस और माइनस दोनों सिंबल कनेक्ट करने हैं, ठीक है, बट यहाँ मेरे पास एक रेंज है, कौन सी रेंज है, जीरो से लाइन, जहाँ रेंज है वो मैंने मैच यूज किया, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये मैसेज प्लान करने के लिए अलर्ट मतलब एक मैसेज बॉक्स जो आपके लिए बार बार डेटा को फ्लैश करेगा और बार बार डेटा को फ्लैश कर सकता है जिससे आप पर्टिकुलर डेटा को चेक कर सकते हैं यूजर एंड से, ठीक है। चलिए अब तीसरा रुकते हैं।